हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटी अकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन जो अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जीएस पोर्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट से या किस अधिनियम द्वारा क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में पूछ लेंगे। इसके बाद अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन, अगर रेगुलेटिंग एक्ट या जो अधिनियम हमारे देश में आज़ाद होने के पहले हुए थे, उससे अगर कोई भी आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग सीखते हैं आगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ जो है आपको सीखना है। हम एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम अलग छाट कर रख लिए हैं, और वो भी जो है उस पर 2 से 3 दिन में 1 2 से 3 घंटा का लेसन आ जाएगा, 2 दिन, 2 या 3 लेसन मिलाकर। ठीक है, 2 से 3 घंटा में आप लोग प्लीज़ कंप्लीट देख लें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं, हम उसका एक बना लिए हैं पीडीएफ फॉर्म में, लगभग 2 से 3 घंटा उसे बनाने में लग जाएगा। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो ज़रूर से ज़रूर उन लेसन्स को आप देख लीजिएगा। उनमें खास तौर पे पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। देखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके द्वारा जो हमारे देश में बहुत सारे चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके कार्यों को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया या उठाया गया पहला कदम जो भारत में था वो क्या था, तो आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बता सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। ठीक है, इसके द्वारा जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, देखिए अब इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉप बस जो पॉइंट होंगे हम लोग यहाँ पर उन्हीं को सीखेंगे। ज़्यादा हमें यहाँ पर सीखना नहीं है, क्योंकि आपके और भी जो है चीज़ें सीखनी है, तो हम 15 दिन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, सिखा देंगे। आपको बस यही करना है कि आपको डेली लेसन देखना है और इसका कंप्लीट जो है रिविज़न करना है, क्योंकि हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम्स में देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं हूबहू आपको एग्जाम में दे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बस मेरा पर्पस यही है कि आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा टच हो जाएं, ताकि आपको जो क्वेश्चन थोड़ा सा है जो माइंड में आ जाए, ठीक है, आप रिकॉल कर पाएं अपने एग्जाम के समय। चलिए देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा जो है क्या क्या हुआ था। देखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो आप बता सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट जो है पहला जो हो गया वन लाइनर, ये हो गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। और पहले गवर्नर जनरल जो कौन थे, वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर हो गया इम्पोर्टेंट टॉपिक। आगे देखते हैं, इसके द्वारा मद्रास एवं चेन्नई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर थे और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट हो गए, यानी कि जो मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर अब काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। पहला नंबर पॉइंट आपका क्या है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और तीसरा ये कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1773 के बाद हमारा कौन सा अधिनियम आया था, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे
एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं 1781 संशोधित अधिनियम। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा जो है क्या क्या हुआ। इसके द्वारा जो है सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो है कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी कि जो पॉलिटिकल जो कार्य थे और जो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो कार्य थे वो दोनों अलग हो गए। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, के नाम से यहाँ पर जो है दो प्रकार के शासन की व्यवस्था हो गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक राजनीतिक मामलों में जो है देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखेंगे आपको राजनीतिक मामले में, और व्यापार एक निदेशक मंडल जो है वो व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्या हो गया वन लाइनर, कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो ये द्वैध शासन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं 1733 का चार्टर अधिनियम हमें क्या बताता है। इस अधिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या था कि बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, लेकिन अब जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया वो आपको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारन हेस्टिंग्स, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो आप लोग जब एग्जाम में आए तो क्वेश्चन वहाँ पर सही से पढ़ लें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है या फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल आपके वारन हेस्टिंग्स और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये है आपका 1833 का अधिनियम। इसे जो है नियामक कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया कि इसे जो है नियामक कानून भी कहा गया आपके लिए। यहाँ पर यही दो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा ये है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो है सिविल सेवकों के लिए वो किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया, तो वो था आपका चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम था यह जो है अंतिम अधिनियम था। ठीक है, यह चार्टर अधिनियम में सबसे अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कैसे था चलिए देखते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कि इसने विधान परिषद का गठन किया। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर जो है वन लाइनर ये हो गया। आगे देखते हैं, इसने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। कोशिश किसने किया था 1833 में, और 1853 में है कि शुरू हो गया। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1833 में इस चीज़ के लिए कोशिश किया गया था और यहाँ पर जो है शुरू किया गया। ठीक है, इस विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकेले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो मैकेले समिति किससे संबंधित है, तो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में संबंधित है। ठीक है, 1854 में ये समिति बना था। कौन सा समिति, मैकेले समिति, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है ये 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह कहा जाता है। 1857 का जो विद्रोह है उसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और सीखें, क्या सीख रहे हैं हम लोग, कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वो है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। देखिए अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए क्या है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध
इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो आप बता सकते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1858 का जो अधिनियम था, इसके तहत जो है भारत का शासन सीधे अब जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपका समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब तो शासन करने के लिए कोई और चाहिए, तो अब जो है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया पे चला गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका मेन जो वन लाइनर हो गया वो कौन सा हो गया कि 1858 का जो अधिनियम था उसके द्वारा भारत का शासन डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, और दूसरा ये कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर आपका भारत का वायसराय जो है वो कर दिया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो वो था आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के प्रथम वायसराय थे। देखिए यहाँ पे द्वैध शासन को प्रणाली जो है उसे समाप्त कर दिया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे और निदेशक कोच जो थे इन्हें समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। 1909 के जो अधिनियम की विशेषताएं थी वो जो है उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? 1909 के जो अधिनियम की विशेषताएं हैं इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो है भारत में वायसराय थे। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो जो है ये दोनों अलग अलग हैं। मिंटो जो थे वो वायसराय थे, और मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यह जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी कि कोई भी भारतीय जो है इसमें अब ऐड हो सकते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा इन्होंने ही सबसे पहले जो है जो सिविल सेवक का एग्जाम हुआ था सबसे पहले इन्होंने ही एग्जाम क्लियरिफाई किया था। आगे देखते हैं कि 1909 का जो अधिनियम है उसमें हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। उसमें बस ये लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए एक अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये वन लाइनर हो गया कि लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो हो गया आपका लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ये था आपका 1909 का अधिनियम। अब पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1921। देखिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें और भी चीज़ें जो है आपको बतानी है, आप तक पहुँचाना है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम आपको कुछ कुछ बता देंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं। थोड़ा सा डिटेल रहेगा, लेकिन आपको अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो और भी लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सारा चीज़ जो है आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं और मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं 1919 का अधिनियम। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। ठीक है, इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। यानी कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो भारत शासन अधिनियम को 1919 को कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए वो क्या है। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो यूपीएससी है आपका लोक सेवा आयोग। ठीक है, अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1926 में। ठीक है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। कब? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसे कहा जाता है चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, आगे देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री
रैमजे मैकनजोलान ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, ठीक है, किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकनजोलान ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, इसे कॉम्यूनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया, ठीक है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए, यानी कि उन्हें जो है अच्छा नहीं लगा था जो दलित के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर दिया गया था। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरबदा जेल में अनशन प्रारंभ किया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता में जो है किनका किनका सिग्नेचर हुआ था जब ये समझौता हुआ था, तो गांधी जी और जो आपके बी राव अम्बेडकर हैं, जो हमारे पहले विधि मंत्री थे, ठीक है, कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें पूना समझौता के नाम से दिया गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिए गए, ठीक है। तो ये था आपका 1919 का, सॉरी, सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में। तो सांप्रदायिक अवार्ड किसे कहा गया, आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। रैमजे मैकनजोलान जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इन्होंने ही शुरू किया था सांप्रदायिक अवार्ड। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो हम लोग जानते हैं कि तीन सूची हैं हमारे संविधान में, संघीय सूची, राज्य सूची और संबद्ध सूची, सब जो ये देन है वो हमारे 1935 का अधिनियम का देन ही है, ठीक है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यानी कि जो अब है संघ अपना देखेगा, राज्य अलग देखेगा और संवर्ती जो है जिसमें दोनों यानी कि राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 1935 में क्या है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, बाकी और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता जो है उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट कब हुआ था, 30 जून 1947 को जो है भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये अनाउंसमेंट हुआ था 20 फरवरी 1947 में, किसके द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। इसलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लेमेंट एटली, ठीक है। और ये घोषणा हुआ था 30 जून 1947 को कि अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले जाएंगे। इस घोषणा द्वारा मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही, ठीक है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया गया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो हो गया, उसी दिन 3 विभाजन की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, ठीक है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है, बस इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर जो है इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियों, संप्रभु और राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान बन गया और इसमें जो है वायसराय का पद समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यह है महत्वपूर्ण अधिनियम जो हमेशा चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमेशा आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप्स में ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल क्लासेस में, थैंक यू।